बॉलीवुड की घंटी। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजा, एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक्टिंग में डायलॉग डिलीवरी से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे न्यू कमर भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जब भी एक्टिंग में आते हैं उनको लगता है कि यार एक्टिंग में डायलॉग डिलीवरी जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं उतने ज्यादा आप एक्टर। अगर आपको भी ये लगता है तो आई एम रियली सॉरी, आप शायद थोड़े गलत हैं, क्योंकि एक्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग डिलीवरी नहीं है। डायलॉग डिलीवरी आपके एक्टिंग के 100% पार्ट में से सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट रखता है। तो बाकी के ऐसे कौन से चीज है जो डायलॉग डिलीवरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके शरीर की भाषा। मान लीजिए आपके कैरेक्टर मिला टपोरी का, ऐसे रहेगा ना बॉडी। मान लीजिए आपके कैरेक्टर मिला आएगी कोई एकदम सीरियस बंदा, हमेशा ऐसे ही बात करता सीरियस रहेगा। एक बंदा मिला कि बॉडी बिल्डर, ऐसे वो चौड़ में रहता है, तो मतलब क्या भाई सीरियस चौड़ में रहने वाला। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है करेक्टर के अनुसार, क्या है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा, राइट। तो सबसे पहले जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो डायलॉग क्या है सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, थ्रू आउट द पढ़ना है आपको डायलॉग स्क्रिप्ट पढ़ना है, फिर समझना है क्या कि जो बंदा है जो कैरेक्टर है ये क्या है, कैसा कैरेक्टर। और एक बार मेरे दोस्त आप ये समझ गए कि कैरेक्टर कैसा है, फिर जब आप कैरेक्टर में आ जाएंगे वैसे बॉडी बना लेंगे, फील कर लेंगे वैसा, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा डायलॉग डिलीवरी करना, राइट। तो फिर आपको डिलीवर करने सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं ऐसे डिलीवर करूं, यहाँ पॉज लू, यहाँ एनोटेशन लू, क्या करूं कैसे करूं, यहाँ पे प्रेगनेंट पॉज ले लू, यहाँ पे रुक जाऊं, यहाँ पे जोर से बोल, इतना नहीं सोचना पड़ेगा। सिर्फ आपको कैरेक्टर में आना है और एक बार आप फ्लो में आएंगे डिलीवरी डायलॉग की अपने आप अच्छी हो जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बस समय बचा है कि आप इतने में सिर्फ याद करके कैमरा ऑन होने के पहले आपके पास टाइम बचा है कि डायलॉग डिलीवरी की पैटर्न आप तैयारी कर सकते हैं, रिहर्स कर सकते हैं, फिर आप डायलॉग पढ़िए और देखिए कि हाँ कैरेक्टर के अनुसार, डायलॉग नहीं कैरेक्टर के अनुसार वो लाइन पे क्या कर सकते हैं, है ना, वो एक्स्ट्रा काम है अगर आपके पास समय बचता है तो। पर फर्स्ट आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्योंकि एक्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग सेकेंडरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में कैसे ही जोरदार टॉपिक के साथ। मैं हूं राजा, सी यू सून, जय हिंद।